याशु अपनी गर्मियों की छुट्टी में अपनी नानी के घर आया हुआ था। याशु बड़ा अड़ियल और नास्तिक किस्म का लड़का था। याशु को ऐसी चीजों पे यकीन नहीं होता था जिन्हें वो देख ना सके। वो साइंस और टेक्नोलॉजी, इन चीजों पे ज्यादा भरोसा करता था। जब वो नानी के यहाँ आया तो उसे किसी ने बताया कि गांव से थोड़ा सा दूर एक हवेली है। उस हवेली को हम लोग भूतिया हवेली कहते हैं, और आज तक उस हवेली में जो भी गया है वो कभी वहां से जिंदा वापस नहीं आया है। ये सारी बातें सुनकर याचू को लगा हो ना हो कोई गलत आदमी हवेली के अंदर रहता होगा, वो अपने गलत काम हवेली के अंदर करता होगा और लोग उस तरफ ना आए, इसलिए उसने डर फैला रखा। उसने मन ही मन विचार बनाया कि क्यों ना एक बार उस हवेली के अंदर जाया जाए। उसने ये बात अपने दोस्तों को बोली। दोस्तों ने साफ इनकार कर दिया, लेकिन याशु मन का बहुत पक्का था। जो एक बार विचार कर लेता सो कर लेता। याशु खेलने के बहाने उस हवेली की तरफ जाने लगा। एक दिन उसे रास्ते में एक लड़का मिला। उस लड़के ने अपना नाम अतुल बताया। याशु ने उससे पूछा कि तुम यहाँ क्या करते हो? अतुल ने बताया, मैं तो यहीं पास में ही रहता हूँ और जब मन करता है तब यहाँ टहलने चला आता हूँ। याशु ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी अपने नानी के घर घूमने के लिए आया हूँ, तो क्या मैं जब तक यहाँ हूँ तब तक तुम मेरे साथ खेलोगे? अतुल ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, मुझे मेरा भी कोई दोस्त नहीं है, तो अब तुम आ गए हो तो हम यहाँ डेली खेला करेंगे। इस तरीके से समय निकलता रहा। याशु और अतुल दोनों पूरा दिन खेलते और शाम होते ही याशु अपने घर चला जाता और अतुल अपने घर निकल जाता। एक दिन खेलते खेलते याशु ने अतुल से पूछा, अतुल तुमसे एक बात पूछूं अगर तुम डरो ना तो? अतुल ने बोला, नहीं नहीं पूछो, मैं नहीं डरता। याशु ने बोला, अतुल ये तो पास में हवेली है, मैंने सुना है इसके अंदर भूत रहते हैं। अतुल ने बोला, हाँ रहते तो हैं। याशु ने पूछा, तुम्हें कैसे पता? अतुल ने बोला, मैंने देखे हैं। याशु बोला, झूठ बोल रहे हो तुम। अतुल बोला, नहीं याशु भाई, मैंने सच में भूत देखे हैं। याशु ने बात आगे बढ़ाई और बोला, मैंने सुना था कोई लड़का भी था जो अंदर गया था और वो मर गया, कभी दोबारा बाहर नहीं आया। लोगों ने उसकी बहुत चीखें सुनी थी दर्दनाक, लेकिन कोई उसे बचा नहीं पाया। अतुल बोला, हाँ याशु भाई ऐसे ही हुआ था, लोगों ने तो खाली चीखें सुनी थी। मैं आपको बताता हूँ कि उसके साथ क्या हुआ था। याशु ने कहा, हाँ हाँ बताओ बताओ। अतुल ने बताना शुरू किया कि एक दिन की बात है, दोपहर के टाइम वो लड़का और उसके तीन दोस्त बैठ के भूत प्रेतों की बातें कर रहे थे। उन्होंने ट्रुथ और डेयर खेलना शुरू किया। तो जब ट्रुथ एंड डेयर खेल में बारी उस लड़के की आई तो उसने डेयर चूज किया। उस डेयर में उसे ये चैलेंज दिया गया था कि उसे इस हवेली के अंदर जाके जो गोल सा खंभा है उसे छूकर वापसी आना है। वो लड़का बहुत निडर था, इसलिए वो खंभा छूने के लिए अंदर चला गया। जैसे ही वो मेन गेट से अंदर गया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। पूरी हवेली में अजीब अजीब तरह की आवाजें आने लगी। कभी काले रंग का धुआं, कभी सफेद रंग का धुआं, कभी नीले रंग का धुआं, ये धुआं पूरी हवेली के ऊपर मंडराने लगा। हवेली की जितनी भी खिड़कियां दरवाजे रोशनदान थे,
वो सारे अपने आप बंद हो गए। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। वो लड़का धीरे धीरे अंदर बढ़ता चला गया। जब वो अंदर पहुंचा तो उसने देखा वहां बहुत सारी आत्माएं बैठी हुई हैं, एक से एक डरावनी। किसी की शक्ल जली हुई, किसी के हाथ पैर टेढ़े हैं, किसी की गर्दन नहीं है। ये देखकर वो लड़का घबरा गया और बाहर की तरफ भागने लगा। मगर तभी उनमें से एक आत्मा ने हाथ लंबा किया और उस लड़के के पैर पकड़ के उसे जमीन पे गिरा दिया। उसके बाद उन आत्माओं ने बारी बारी से उस लड़के का खून पीना शुरू कर दिया। उस लड़के को उसी गोल खंभे से बांध दिया और जब तक उसके शरीर में एक बूंद खून का कतरा था, डेली डेली वो आत्माएं आके उसका खून पीने लगी। कुछ आत्माएं उसका मांस खाने लगी और वो लड़का धीरे 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 तड़प तड़प के मरा। उसके बाद वो लड़के की आत्मा वो भी उन लोगों के साथ मिल गई और वो भी लोगों का खून पीने लगी। लेकिन उस लड़के की माँ एक पुजारन थी, वो हमेशा ऊपर वाले के सामने पूजा पाठ किया करती थी। उस लड़के ने अपनी माँ को सपने में जाके सारी बात बताई। उसकी माँ ने पूजा पाठ करके उस लड़के की आत्मा को उन बुरी आत्माओं से मुक्त करवाया, क्योंकि जो आत्मा एक बार उनके कब्जे में आ जाती है वो जहाँ मर्जी घूमे लेकिन उनके आदेश पे उसको हवेली के अंदर आना ही होता था। जब उस लड़के की आत्मा आजाद हुई, उसके बाद से उस आत्मा को सुकून आया और अब वो आत्मा अपनी मुक्ति के लिए इंतजार कर रही है। ये सुनकर याशु के रोंगटे खड़े हो गए। याशु ने बोला, तुमने एक बात बताई है तू कि जब वो लड़का अंदर गया तो मेन गेट बंद हो गया, सारे खिड़कियां रोशनदान बंद हो गए, फिर तुमने ये सारी बात कैसे पता? तुम्हें किसने बताई? उसके बाद जो अतुल ने बोला उसे सुनने के बाद तो याशु का वहां रुक पाना मुश्किल हो गया था। अतुल ने बोला, याशु वो लड़का मैं ही था और तुम अभी मेरी आत्मा से बात कर रहे हो। ये कहकर अतुल हवा में 3 फुट ऊपर उठ गया और जोर जोर से हंसने लगा। अब याशु की हालत खराब हो चुकी थी। याशु ने वहां से भागने में अपनी भलाई समझी। वो गिरते पड़ते उठते भागता हुआ अपने नानी के घर पहुंचा। बिना किसी को कुछ बताए चुपचाप सो गया। रात में सपने में वही अतुल आता है और बोलता है, याशु तुम डरो नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुम निडर और बहादुर लड़के हो, तुम सभी आत्माओं की मुक्ति करवा सकते हो। तुम्हें बस जैसा जैसा मैं बोलता हूँ वैसा करना है। कल तुम मुझे उसी खेलने वाली जगह पे आकर मिलना। सुबह यासु उठा, उसे सपने की सारी बात याद थी। उसने सोचा कि अतुल को मेरे साथ खेलते हुए लगभग 15-20 दिन हो चुका है, उसने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, इसका मतलब वो अच्छा है। ये सोचकर याशु पहुंचा। उसने देखा अतुल उसका इंतजार कर रहा है। अतुल ने बोला, याशु मुझे यकीन था कि तुम आओगे, अब ध्यान से सुनो मेरी बात। याशु बोला, हाँ बताओ। अतुल ने बोला, इस हवेली को जलाना होगा। जब ये हवेली जल जाएगी तो जितनी भी आत्माएं हैं वो मुक्त हो जाएंगी, लेकिन जलाने से पहले इस हवेली में गंगा जल, गौमूत्र, पान, लौंग, ये चीजें इसके चारों कोने में डालनी होगी और उसके बाद इस हवेली को आग लगानी होगी। और ये काम तुम्हारे जैसा कोई नेक दिल और हिम्मत वाला ही कर सकता है।
सारी बातें सुनने के बाद याशु अपने नानी के घर आया और आके उसने नानी को सारी बातें बताई। नानी पहले तो गुस्सा हुई लेकिन बाद में मान गई। उन्होंने याशु को सारा सामान ला के दिया और उन्होंने साथ ही साथ गांव वालों को भी इस बात के बारे में बता दिया था। गांव वाले इस चीज से थोड़ा सा डरे हुए भी थे और खुश थे। डरे इस वजह से थे कि कहीं ऐसा ना हो कि याशु की जान चली जाए, और खुश इस वजह से थे कि शायद उन्हें इन चीज़ों से मुक्ति मिल जाए। गांव वाले याशु के साथ गए। याशु ने वो सारी चीज़ें हवेली के चारों कोनों में डाल दी और उसके बाद मिट्टी का तेल डालकर पूरी हवेली में आग लगा दी। जैसे ही हवेली में आग लगना शुरू हुई, बहुत जोर जोर से चीखने और चिंघाड़ने की आवाज आने लगी। धुआं खिड़की दरवाजा रोशनदान तोड़कर उसमें से निकलने लगा। 2 दिन हवेली धूं धूं करके जलती रही और 2 दिन रोने की चिल्लाने की चीखने की आवाजें आती रही। 2 दिन के बाद हवेली की आग शांत हुई और उस आग के साथ साथ उन खूनी आत्माओं का तांडव भी शांत हो चुका था। याशु ने अतुल को याद किया तो अतुल ने एक हवा के झोंके में आके याशु के कान में एक बात बोली, थैंक यू याशु, अब हम सब आजाद हैं, अब इस हवेली के अंदर कोई श्रापित आत्मा नहीं है, अब तुम सब आराम से रह सकते, कोई तुम्हें परेशान नहीं। आज इस बात को 15 साल हो चुके हैं। याशु बड़ा हो चुका है, उसकी शादी हो चुकी है, मगर वो घटना उसे आज भी याद है। आज भी कभी कभी अतुल सपने में आकर याशु की हेल्प करता है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। थैंक यू।